नमस्ते किसान भाइयों, आज हम मक्का के बारे में दिखाना चाहते हैं कि मक्का का जो खेती है वह इस बार कैसा लगा है। देखिए, यह मनिजरा का खेत था। इस खेत में मनिजरा बोए थे, सावन भादो में काटा गया था मनिजरा, जो कि भदैया फसल कहते हैं। उस मनिजरा खेत में ही मक्का लगाए हैं। या देखिए, मनिजरा का खेत का मक्का का रुतवा देखिए, देखिए यह कितना बढ़िया मक्का लगा है। यह देखिए, तो जिस खेत में आपका जंगल ज़्यादा होता है उस खेत में आप मनिजरा लगा दीजिए, तो आपका जलावन भी हो जाएगा और आपका आगे वाला फसल जो है रबी फसल वह आपका बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, मनिजरा खेत में मक्का जो है कितना सुंदर है। मुझे उम्मीद है अभी मोचा तो नहीं निकला है, मोचा जो भुट्टा कहते हैं वह अभी नहीं निकला है। उम्मीद लगता है कि इसमें कम से कम 3 भुट्टा निकलेगा। देखिए देखिए, मनिजरा का खेत का मक्का आप मनिजरा जलावन में भी उपयोग कर लीजिएगा, और उसके बाद वह खेत जो है इतना उर्वरक शक्ति मजबूत हो जाता है कि आपका जो भी फसल लगाइएगा वह बहुत ही सुंदर होगा। देखिए, ये मक्का का खेती है और तना भी बहुत मोटा मोटा है और रंग भी बहुत अच्छा है। देखिए, यह रंग भी देखिए कितना सुंदर है। यह मनिजरा का खेत वाला मक्का है। इस मक्का में खाद का उपयोग आप कम भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनिजरा खेत का मक्का ही इतना सुंदर होता है कि देखने के लायक रहता है। देखिए, जलावन भी आप साल भर के लिए आपको चिंता नहीं रहता है कि हम क्या जलाएंगे, और मनिजरा का खेत जो है वह बहुत उर्वरक शक्ति उसका मजबूत हो जाता है। अभी इसमें एक ही पानी दिया गया है जो कि लगभग 20 दिन हुआ है। देखिए, तो हम किसान को यही कहेंगे कि जिस खेत में आपका जंगल ज़्यादा होता है तो उस खेत में मनिजरा ज़रूर बो दीजिए, जो कि मनिजरा बीघा में 3 किलो का बीघा लगता है। यह मनिजरा देखिए खेत में जो लगाए थे मक्का का रुतवा देखिए कितना सुंदर है, और इसमें खाद भी कम ही मात्रा में दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक ही पानी दिया गया है। देखिए, तो किसान को हम यही कहेंगे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।